रामपुर से सपा सांसद आजम खान को आज जेल भेजा गया है। आपको बता दें उन पर फर्जी दस्तावेज का आरोप का मामला था, जिस पर आज उन्हें जेल भेजा गया है। उनके परिवार, अपने पूरे परिवार समेत उन्हें जेल भेजा गया है। आपको बता दें इसके बाद 2 मार्च तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। पूरी जानकारी देंगे हमारी सहयोगी खुशबू। आज सपा सांसद आजम खान को जेल हो गई, बहुत दिन से इस पर चल रहा था, लगातार उन पर आरोप लगाया जा रहा था। कभी अलग अलग तरह के आरोप लगाए जाते, कभी यूनिवर्सिटी में उन्होंने दंगा करवाया, या फिर वायर चोरी का हो गया, गाय चोरी, बकरी चोरी का, लगातार उन पर आरोप लगता रहा। लेकिन इस बार जो आरोप लगा, नकली प्रमाण पत्र बनाने का उन पर आरोप लगा, इसी आरोप के चलते आज उन्हें रामपुर की जेल में भेजा गया। साथ में उनकी पत्नी फातिमा तंजीम को भेजा गया, पूरे परिवार के समेत उन्हें जेल, पूरा परिवार के समेत उन्हें भेजा गया। उनके साथ में उनकी पत्नी है फातिमा तंजीम और बेटा अब्दुल्ला आजम को भी साथ में जेल भेजा गया। कैसे, क्या गिरफ्तारी की गई है, घर से गिरफ्तारी की गई है कि? जी बिल्कुल, घर से गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि आप विजुअल देख सकती हैं कि पुलिस उनको लेके जा रही है, और पूरा परिवार, उनकी पत्नी भी, उनका बेटा भी साथ में मौजूद जा रहे हैं। और आजम खान समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और रामपुर से सांसद रहे, जिन्हें समाजवादी पार्टी का चाणक्य माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनके बिना समाजवादी पार्टी अधूरी है। कब तक इन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा? ये इन्हें 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है। जानकारी मिली है तो आज आजम खान को जेल भेज दिया गया अपने पूरे परिवार के साथ, वो उनको जेल भेजा गया, उन पर फर्जी दस्तावेज प्रमाण पत्र का आरोप लगाता है। इस पर और भी क्या अपडेट होंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।